टनेल भितरे जीवन बंचिबा पाई साहा भरोसा दैब दिन राति चली उद्धार कार्य 41 जन श्रमिकों पर प्रार्थना करुछि सारा देश विभिन्न टेक्नोलॉजी प्रयोग में श्रमिकों पाखरे पहुंचिबार प्रयास ऑपरेशन जिंदगी देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी जो टनेल फसी रही 41 जन श्रमिक से पाखरे एवं प्रबल हाउजाऊ। नमस्कार, मु वंदिता, चलंतु आरंभ करिबा एने आज स्पेशल रिपोर्ट। खूब शीघ्र सफल हेबो ऑपरेशन जिंदगी आउ टनेल रु बाहरी बे फसी रहितिबा 41 श्रमिक अमेरिकार अगर मेसीन काम आरंभ करथिबा बेले तीनटी प्लान प्रस्तुत होईछि। 39 मीटर खोला सरीथिबा बेले बाकी 21 मीटर खोला जीव। एबे जदि कोनोसी समस्या हुए तबे सुडंगर उभय पटु खोलिबा पई योजना होईछि। 48 घंटा मध्यरे भल खबर मिलिबा नै आशा करिछंती रेस्क्यू टीम। सेपटे श्रमिकों पाखकु खाद्य समेत औषध ओआरएस पठा जाउछि। समस्त एवं ठीक ठाक थिबा संपर्कीय माने एपटे तैयार हो रही आंबुलांस उद्धार पर समस्त श्रमिकों को प्रथमे नियाजिबो हॉस्पिटल। टनेल रे फसी जीवन दिन राति चली ऑपरेशन जिंदगी सुडंग भितरे फसी जीवन उद्धार चली बचाइबार प्रयास बरकरार रही। भाग्यर भरोसा एवं 41 जन श्रमिकों जीवन देढ़ सप्ताह धरी चली रेस्क्यू ऑपरेशन। ऑपरेशन जिंदगी जोरदार जारी रही। सब भितर निज लोक चिंतार अच्छा पर लोके स्वर शुणा पर आश्वस्त अनुभव कर तो हम उससे बातचीत किए, वो ठीक है, स्वस्थ है और खाना भी उन लोग को मिला है, नहाने के लिए कपड़ा साबुन मिला है, तो वो लोग नहाया नहीं है लेकिन सब ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर भी था वहाँ, डॉक्टर भी बात कर रहे थे तो वो लोग का स्वास्थ्य भी ठीक है। ठीक हूँ, बोले खाने के लिए सब आ रहा, संतुष्ट है कि हाँ ठीक ठाक है। उनके बोलने से व्यवहार से पता चला कि हाँ ठीक है वो लोग, ऐसा कोई नहीं है दबाव उसके। पुष्कर ने यही हालचाल पूछे थे वहाँ की, कह रहा था कि तुम लोग जाओ, मैं आ जाऊँगा, ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। बाकी और लोग भी सब सही हैं इधर। बाकी इधर बाहर के बारे में पूछ रहा था कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। टाइमिंग तो ऐसी कुछ नहीं दे रखी, लेकिन जल्द से जल्द बाहर निकाल लेंगे ये कह रहे हैं। सभी लोग जो हैं एक एक्साइटेड हैं और मुझे लगता है कि जो ऑपरेशन है वो सही दिशा में चल रहा है और अच्छी तेजी से चल रहा है। और अगर आगे कोई सरप्राइजेस नहीं मिलते, कोई ऑब्स्टेकल नहीं मिलता, तो इसको हम जल्दी से जल्दी रैप अप करेंगे। जो फाइनल डिटेल्स हैं इसके कि कहाँ ले जाना है, कौन से हॉस्पिटल में ले जाना है, अभी यही बता सकता हूँ कि एज पर इस मेडिकल कंडीशन जैसी भी होगी उसी हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। रात्रु कामरे लागिछि अमेरिकार अगर मेसीन सुडंग निकटरे आंबुलांस प्रस्तुत रखाई एवं तीनोटी योजन काम कर टनेल भितर वर्तमान दुर्बिशह जीवन बिताऊँ कहीपर जे श्रमिक मैंने कहीं सेठे ऑक्सीजन लाइट आउ पानी व्यवस्था और खाद्यपेय व्यवस्था तो निश्चित भाव होतीत दिन केतबले होची राती केतबले होची ता से श्रमिक मैंने जापार ना कहीं सबुबले से टनेल भितर अंधार रही लाइट्र जोजोग अच्छी कितु दिन केतबले होची राती केतबले होची से श्रमिक मैंने जापार ना। द्वितीय देखा गोटे आउ एक प्रॉब्लम जे नित्य जो नित्य कार्य जो रही सका ब्रश करवाठ आरंभ करके अन्य गाधे समस्त जो नित्य कार्य से सब श्रमिकों को बाधा कौटना कौटी होने से परिस्थिति जाए जो दैनन्दिन जो कार्यक्रम रही बाधा सृष्टि करुच्छी। तृतीय पर लोक दूर से रहा अंधारे मैंने मैंने कहीपर जो टनेल भितर दीर्घ दिन है फसी रहा कौटना कौटी मानसिक स्थिति को बिगाड़ू थी। देखिए जो पाइप जो पुश किया जाता है या अगर जो ड्रिलिंग करता है उसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, समय लगता है कि जब आप 1-6 मीटर का पाइप अंदर डालें फिर उसके बाद पिछले वाली जो पाइप गई आगे उसके साथ वेल्डिंग करना होता है अगली पाइप को, उसमें सबसे ज्यादा समय लगता है। और वेल्डिंग सबसे जरूरी है, सबसे ध्यान से करना है क्योंकि वेल्डिंग को
कम से कम पाइप की मजबूती या उससे ज्यादा मजबूती देना है, क्योंकि वो एक वीक पॉइंट हो सकता है। तो 4-5 घंटे उसमें लगते थे पहले, वो हमने अभी 3-3.5 घंटे तक लाया है। तो अगर भी 3 पाइप और चाहिए तो वो वही सिर्फ 12-15 घंटे हो गए, फिर देखते हैं अब आगे। श्रमिकों को उद्धार करिबा परे परवर्ती प्रक्रिया पाई घटनास्थल में मौजूद अच्छे आंबुलांस। टनेल भीतर श्रमिक माने बाहरिबा परे सेमानको स्वास्थ्यावस्था जांच पाई देहरादून हॉस्पिटल नेबा को प्रशासन पक्ष निष्पत्ति होची। टनल हादसे को 11 दिन हो चुके हैं, यानी आज 11वां दिन, और ऐसा लग रहा है कि शायद जल्द ही कोई खुशखबरी मिलने वाली है। इसके संकेत किस बात से मिल रहे हैं? ये जो एम्बुलेंस की संख्या है उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि अगला जो 24 घंटा है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एक एम्बुलेंस की यहाँ पे संख्या ये बताने के लिए काफी है कि जैसे ही मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा इन्हीं एम्बुलेंस के जरिए उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी के बाद सीधे उनको देहरादून लेकर जाया जाएगा, ऐसी खबरें हमें मिलनी शुरू हो चुकी है। और अब यहाँ पे एक एक करके एम्बुलेंस की संख्या बढ़ रही है। ये तमाम जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सके कि क्यों हम कह रहे हैं कि अब 36 मीटर का अगर एरिया बन चुका है, 45 बनना है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ बड़ा होगा और बहुत जल्दी होने वाले है। तो ये एम्बुलेंस की संख्या ही अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि जल्द ही वो घड़ी बेहद करीब है जब सभी मजदूर, यानी 41 मजदूर जो कि फंसे हुए हैं, हालांकि उनकी हेल्थ ठीक है, उनका स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन फिर भी उन्हें सबसे पहले इन्हीं एम्बुलेंस में रखा जाएगा और एम्बुलेंस के जरिए उन्हें ले जाया जाएगा उत्तरकाशी और उसके बाद देहरादून, ऐसी खबरें हमें मिलनी शुरू हो चुकी है। ये हम आपको टनल का हिस्सा दिखा रहे हैं, वो टनल की तस्वीरें, और टनल के ठीक दूसरे तरफ यहाँ पे एम्बुलेंस और वो तमाम व्यवस्था की जा रही है कि जैसे ही मजदूरों के निकलने का सिलसिला शुरू होगा वो कैसे फटाफट यहाँ से ले जाया जाएगा, कैसे उनको बहुत जल्द यहाँ से मूवमेंट कराया जाएगा। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे कि जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे होंगे उनके मन में भी उम्मीद जग रही होगी कि शायद अगले कुछ घंटों में मजदूर एक एक करके बाहर निकल जाएंगे। दिन रात जारी रही उद्धार कार्य तमाम एजेंसी समेत पुलिस कर्मी आईटीबीपी जवान मुतयन अच्छा। दिन में बेसी खरा हो सूर्यास्त पर सबुठ बड़ चैलेंज सृष्टि करा पवन प्रबल थंडा अनुभूत होवु विभिन्न स्थान में न्यायव्यवस्था करद्धार कार्य लगातार जारी रही। तेज उद्धार कार्य व्यवहित होता मेसीन गुड़ी प्रथम पूजा करने व्यवहार करपटे 800 mm पाइप जरिया श्रमिकों को बाहर करने प्रयास जारी रही। वॉकी टॉकी से ये संदेश सबको दिए जा रहे हैं, किसी की भी एंट्री पर फिलहाल मनाही कर दी गई है। जो लोग ऊपर काम कर रहे हैं उनको नीचे आने के लिए बोल दिया गया है। कोई भी और काम मशीन का अब इस पहाड़ पर नहीं होगा जब तक कि ये फिलहाल, अभी जब जो मैसेजिंग की गई है उसमें ये बताया गया है कि इस काम को तुरंत रोकना है, सीज करना है, क्योंकि जिस तरीके से हम बता रहे हैं ऑगर मशीन जो है वो ऑलरेडी वेट बेयरिंग मशीन है, जब काम करती है तो कंपन होती है, वाइब्रेशन होती है, और ऐसे में जिस फेज के अंदर अभी वो फिलहाल जा रही है तो कोई भी और रिस्क नहीं देना चाहती एक्सपर्ट्स की टीम, इसीलिए फिलहाल सभी तरीके के काम को बंद करने के लिए कहा गया है। टनेल भीतर फंसि रहिथिबा श्रमिकों पाखकु खाद्य समेत औषध एवं ओआरएस पाउडर दिया जाउछि। घटनास्थल में उपस्थित थिबा डाक्टरी टीम मध्य लगातार भाव फंसि रहिथिबा श्रमिकों संपर्क में अछन्ति। देखंतु ये होची दक्ष मिनी एवं दक्ष मिनी रो ये होची चित्र गोटे जहाँ को प्रदर्शित कराइथिला डीआरडीओ पक्षरु विभिन्न प्रदर्शनी रे, एवं वर्तमान ये होची दक्ष स्काउट। एही दुईटी रोबोट को वर्तमान पठा जाइछि उत्तरकाशी रो से टनल ट्रेजेडी स्थल को। एवं मु प्रथमे जदि कहिबी दक्ष मिनी रो किछि स्पेसिफिकेशंस कहिबी, दक्ष मिनी होची एटा रिमोट रे माने ऑपरेट करि हबो, तो रिमोट रे ऑपरेट करि हबो ये होची यार प्रथम विशेषता। द्वितीय होची ये गोटे कन्फाइंड स्पेस भितरे काम करिवो, अर्थात एकु लेस स्पेस दरकार, माने मात्र अल्प स्पेस दरकार, खाली अल्प स्पेस भितरे ये काम करिवो। तेनु आशा कर दउची जो डेब्रिज पड़ी छि एवं टनल रो वाल
ता मधीरे जो ग्याप रही से ग्याप भितर हुए तो यह पास करके दक्ष स्काउटर गोटे फोटोग्राफ और ए रही विशेषता आम जदि कह सर्भेलियंस काम यूज हुए आप देखते यार आंटीना यहाँ तो यहाँ सर्भेलियंस काम यूज हुए अर्थात नजर रखिपार विभिन्न घटना उपर ये संपर्क में रियल टाइम पिक्चर आमको से देपर ये लाडर उपरको उठी पार जदि क्रलिंग कराया पड़ा कौन सी हाई रईज जगह को कि डाउन आसवाक पड़ा गढ़ाक पड़ा तेल ये दक्ष मिनी ए दक्ष स्काउट ए बेस भल भूमिका नहीं पार यार जो कैमेरा रही ये कैमेरा पूरा स्कैन कराउंड हाँ आउ गोटे सब बड़ कथा वन चार्ज रे ये राउंड द क्लॉक काम कर 24 आवर काम कर नवंबर 12 रे हठात काम करुवा समय टनेल भितर फसी रही 41 श्रमिक से फसी रही श्रमिक को उद्धार पर दिन राति जारी रही उद्यम आशा कर खुब शीघ्र सुरक्षित भाव टनेल रु मुकुबे समस्त श्रमिक सफल ऑपरेशन जिंदगी रिपोर्ट ओडिया। टनेल ने फसी रही 41 जन श्रमिक से उद्धार करने को जारी रही रेस्क्यू ऑपरेशन किंतु डेढ़ सप्ताह धरी से टनेल भितर खाऊ कौन ए प्रश्न आपण मनरे निहाती आसुथिबो श्रमिकों पर टनेल भितर को केमिति पठा जाउछि खाद्य ए सब प्रश्नर उत्तर पाइबाकु चलंतु देखिबा ए रिपोर्ट श्रमिकों को दियागला इजी टू डाइजेस्ट खाद्य छ इंच पाइप जोगे श्रमिकों पाख को पठा गला खाद्य विशेषज्ञों उपस्थिति रे प्रस्तुत हला खाद्य पुलावरु नहीं रुटी तरकारी फलठ आरंभ करी वाकी टकी एवं पानी रु नहीं ऑक्सीजन पर्यंत पठा जाउछि उत्तराखंड उत्तरकाशी रे फसी रहितिबा श्रमिकों पाखकु 6 इंच पाइप जोगे ए सब पठा जाउछि ए 6 इंच रो पाइप हेउछि श्रमिकों पई अंतिम आशा ए पाइप जोगे फसी रहितिबा श्रमिकों पाखरे पहुंचुछि सहाय्य श्रमिकों पुलाव मटर पनीर डाली बटर और रुटी पठा जा खाद्य सब विशेषज्ञ मैंने तदारख कर जांच कला टनेल भितर को पाइप जोगे पठा जा खाद्य कम तेल और मसलार प्रस्तुत एक खाद्य इजी टू डाइजेस्ट अर्थात सहजरे हजम हेला भली खाद्य उनके लिए वेज पुलाव बनाया और मटर पनीर बनाया और चपाती बनाया बटर चपाती और ये तीन चीजें दी हमने हाँ प्रॉपर हमने उनको पैक करके भेजा एक पोर्शन के हिसाब से भेजे कि एक आदमी के लिए दो रोटी एक आदमी के लिए एक राइस और एक सब्जी मैंने उनके लिए साफ सफाई से एकदम अच्छे से उनके लिए तैयार किया था कम उनको मिर्ची वाला चाहिए था कम मसालेदार कम तेल चाहिए था उनको प्रथमे प्लास्टिक बोतल ने सेमानको पाखकु खाद्य पठा जाउथिला मात्र एथिरे समस्या हेबारु छोट छोट पैकेट जोगे सेमानको पाखकु खाद्य पठा जाउछि एही पैकेट रे खाद्य पठाइबा सहज हेउछि 3 इंच गोलेई रे पैकेट सबु तयारी करा जाइछि टनेल रे फसीथिबा श्रमिकंकु प्रति एक घंटा व्यवधान रे किछि ना किछि खाइबा पई दिया जाउछि सकाळे फल सह खेचुड़ी दलिया सागुदाना दिया जाउछि सेपरि श्रमिकों सुरक्षित भावे उद्धार करिबा पई विभिन्न अंतर्जातीय विशेषज्ञों सह जोगाजोग करा जाउछि तेबे रुटी एवं अन्यन्य खाद्य पठाइबा पूर्वरु टनेल भितर को ड्राई फ्रुट्स पठा जाउथिला अन्यपटे श्रमिकों पर्याप्त परिमाणर अक्सीजेन मिलिबा पई व्यवस्था भी करा जाइछि समस्ते चिंतित थिले केमिति टनेल भितरु श्रमिकों उद्धार करा जिवो सेथिपई विभिन्न योजना करा जाउथिला रेस्क्यू ऑपरेशन तो लगातार चलीछि किंतु समस्ते आश्वस्त सेतेबेले हेले जेतेबेले टनेल भितरु श्रमिकंकर प्रथम वीडियो आसिला आउ एबे मात्र किछि घंटार अपेक्षा करबाकु पड़ी पारे
तापरे पुणी थरे जीवन फेरी पाइबे टनल भितरे फसी रहितिबा 41 जन श्रमिक। ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। एबे नै जीवा एको छोट ब्रेक, ब्रेक परे देखिबा इजराइल रो नुआ चाल। ब्रेक परे स्वागत। इस्राएल हमास युद्ध रे लागिबो सामयिक विरति। चारि दिनिया अस्त्र विरति पई निष्पत्ति नेछि इस्राएल। एहाकु ग्रीन सिग्नल देछि नेतान्याहुको कैबिनेट। अस्त्र विरति समय रे गाजा रे थिबा पणबंदी को मुक्त करिबो हमास। प्राय 50 जण को छाडिबा पई सहमति प्रकाश पाइछि। एही समय रे इस्राएल जेल रे कैद होइथिबा किछि पालेस्टाइन नागरिक को छाडिबो नेतान्याहु प्रशासन। अन्यपटे ई डील को इस्राएल रो नुआ चाल बोली कहिछन्ति युद्ध विशेषज्ञ। ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସ ଯୁଦ୍ଧରେ ପଞ୍ଚ ବଟର ଇସ୍ରାଏଲର ଚାରିଦିନିଆ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଘୋଷଣା ବଦଳରେ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବ ହମାସ। ଶେଷରେ ମାନିନେଲେ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ। ସାମୟିକ ସମୟ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିବ ବିରାମ। ଚାରିଦିନ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଇସ୍ରାଏଲ। युद्ध विरति चुक्ति को मंजूरी प्रदान करिछे इजराइल कैबिनेट। एने वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी सहित आलोचना करिछंती इजराइल प्रधानमंत्री नेतान्याहु। बदल में मुक्त हे गाजारे बंधक 240 जनों भितर 50 जन पणबंदी। युद्धविरति नहीं हमासर मुख्य गणमाध्यम मुह खोल गोटे दिन पर यह निष्पत्ति इजराइल। गाजारे हमास जो पणबंदी को रखी से मुकुलाइवाई प्रयास जारी रही है। जहाँ आलोचना और विचार विमर्श करुला इजराइल। युद्धविरति समय पणबंदी को मुक्त करिबो हमास। प्रथम पर्यायर 4-5 दिन में 50 जन को छड़ा। विशेषकर छोट पिला सेमानकर मा एमानक सहित महिला को मुक्त करने सहमति प्रकाश पाई। गोटे दिन में युद्ध विरतिर 10 जन को छाड़ हमास। जबली छोट पिला और महिला को मुक्त करशेष गुरुत्व दि जाऊ इज्राएल पक्षर कह। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଯୁଦ୍ଧବିରତିର ଚୁକ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ କରିଥିବା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ତେବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧକଙ୍କୁ ହମାସ ନ ଛାଡ଼ିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଜା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଇସ୍ରାଏଲ କହିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ମିଡିଆର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି କେବଳ ବନ୍ଧକଙ୍କର ମୁକ୍ତି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ହମାସ ଛାଡ଼ିବ ସେମାନେ କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲର ନାଗରିକ। ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଏବେ ଛଡ଼ାଯିବା ଉପରେ ସେଭଳି କିଛି ଆଲୋଚନା ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ହମାସ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ ସେହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଜେଲରେ ଥିବା କିଛି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବ ନେତାନ୍ୟାହୁ ପ୍ରଶାସନ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର 7 ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ହମାସ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ 240 ଜଣଙ୍କୁ ପଣବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲା। ସେଥିରେ ଥିଲେ 40 ଜଣ ଶିଶୁ, ଅନେକ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ। ଇସ୍ରାଏଲ ସରକାରଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଉପରେ ଥିଲା ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର। ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ଆମେରିକା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ କହିଛନ୍ତି ସପ୍ତାହେ ଧରି ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିଲା, ଶେଷରେ ଏହା ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆମେରିକା ସହିତ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି। ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏକ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି ମାନବୀୟ ଆଧାରରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। गाजा और इजराइल के बीच का ये प्रवेश द्वार है, कह सकते हैं प्रवेश गेट है। यहाँ पीस वॉल है दोनों तरफ और वो सामने में फेंसिंग के बाद जो आपको बाउंड्री दिख रही है वो इजराइल और गाजा की बाउंड्री है। दरअसल 2005 में जब इजराइल ने ये तय किया कि वो गाजा से छोड़ेगा उसके बाद वो बाउंड्री बनाई गई। और ये पीस वॉल के बारे में हमने बताया कि इससे बनाने का मकसद है कि स्नाइपर के निशाने पर ना आए। और दूसरी तरफ आपको पोस्ट दिख रहा होगा, कैमरा पर्सन करम थोड़ी सी दाई तरफ जाकर आपको दिखाएंगे, पाथ ऑफ पीस इस रास्ते को नाम दिया गया है और वो पोस्ट आपको दिख रहा है IDF का।
हमास के लोगों पे वहीं से नजर रखी जाती है, लेकिन ये द्वार जो है बंद हो गया है नेटिव हसरा जो कि सबसे नजदीक का मुसाव है। न्यूज 18 इंडिया की टीम इस वक्त यहाँ मौजूद है और हम आपको सीधे बॉर्डर दिखा रहे हैं और दोनों तरफ एक बार फिर पीस वॉल को दिखाने का अनुरोध करेंगे किस तरह का ये रास्ता है। यहाँ पहुँचकर पता चलता है कि कैसे गाजा और इसराइल बटे हुए हैं। 2005 के बाद उम्मीद लगाई थी इसराइल ने कि अब शांति बहाल रहेगी, लेकिन 2023 का 7 अक्टूबर उस शांति के बीच में सबसे बड़ा बाधक बन के आया। लेकिन बॉर्डर से हम आपको वो कहानी बता रहे हैं इतिहास की जो गाजा और इसराइल के इतिहास को तय करता है। और 23 अक्टूबर भले पहली बार इस तरह की दास्तान देखने को सामने आई है, नरसंहार कत्लेआम सामने आया है, लेकिन यहाँ की तस्वीरें बता रही हैं कि आज की नहीं, ये लड़ाई वर्षों पुरानी है, दशकों पुरानी है। गोटे पटे युद्ध विरोधी सहमति, अन्य पटे घन घन आक्रमण। मंगलवार राति रे गाजार अनेक अंचल को आकाश मार्ग टार्गेट करिथिला आईडीएफ। ए आक्रमण रे अनेक क्षयक्षति होईछि। एक तरफ बंधकों की रिहाई और संघर्ष विराम को लेकर बातचीत चल रही थी, तो दूसरी तरफ पूरे उत्तर गाजा के इलाके में बेट लहिया हो, बेट हनून हो, गाजा सिटी हो, उन इलाकों पर लगातार एक के बाद एक हमला इजरायल की तरफ से किया जा रहा था। इस वक्त का सबसे बड़ा हमला है जो काला गुब्बार, बहुत बड़ा गुब्बार है, बहुत बड़ा ये हमला है, बिल्कुल उत्तरी गाजा का इलाका है। और कल से लगातार इंडोनेशिया अस्पताल जो कि बेट लहिया में है वो टारगेट पर रखा था आईडीएफ के जवानों ने। आईडीएफ की तरफ से हवाई हमले भी बेट लहिया के इंडोनेशिया अस्पताल में किए गए हैं। और हमास का कहना था, वहां की सरकार का कहना था कि 12 लोगों की मौत हुई है। गाजा रे 13,300 रु अधिक लोगों का मृत्यु हुई बेले 30,000 रु अधिक आहत होती। इजराइल आक्रमण में छारखा रही गलानी गाजा स्ट्रिप, यार भितर युद्ध विरती निष्पत्ति पणमंदी आश्वस्ति आनी दी। मानवीय आधार में समस्त पणमंदी को दुई देश मुक्त करने जरूरी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। युद्ध भितरे इस्राएलर नुआ चाल को नहीं सबुठी चर्चा, तेबे कणी 4 दिन अस्त्र विरती रे हमास इस्राएलर सबु सर्तरे राजी होइजिवो। वर्तमान हाव भाव को देखिले एपरी जमारु जणा पड़ुनी, कारण इस्राएल जेतिकी दिन युद्ध को टाणिबो गाजा सेतिकी भितर को कब्जा करि मध्य पारिबो। एपरी स्थिति रे नेतान्याहू आदो युद्ध को सळ बंद करबा को चाहिबे नाही। समय सरिछि, आज पई स्पेशल रिपोर्ट को एठ रखुछु। नमस्कार।